गेमिंग लेंसन में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो उसमें आज हम बात करने वाले कॉपर के बारे में। कॉपर जो एक नया ओर है माइनक्राफ्ट में 1.17 अपडेट में ऐड होने वाला है, जो कि केव्स में, माइंस में और रूबिन्स में जनरेट होगा। वो बिल्कुल आयन के तरह आपको मिल जाएगा आराम से। तो मैं सबसे पहले नाइट विजन पी लेता, और फिर सबसे पहले देखो ये जो है ग्लो आइकन है, इससे लाइट मिलती है अंधेरी जगह पे केव्स में। ये देखो कॉपर इस तरह दिखता है कुछ। मैं यहाँ पे जितना कॉपर है उसे माइन कर लेता हूँ, फिर से हम स्मेल्ट करने के लिए रख देंगे, फिर से स्मेल्ट होने देते हैं आराम से। फिर अपना जो कॉपर है वो यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका है, इसे अभी लास्ट ब्लॉक बचा है कॉपर ओर का, उसे भी स्मेल्ट होने देते हैं। फिर यहाँ पे टोटल 10 कॉपर इंगट मिल चुके हैं हमें, इन्हें लेके जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे हमारे। तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर के ब्लॉक्स बन सकते हैं 4 कॉपर इंगट से, और एक जो ये है लाइटनिंग रॉड है। हम लाइटनिंग रॉड बना लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ भी करके आपको दिखाना है, यानी मुझे आपको दिखाना है। और ये कॉपर ब्लॉक, तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर। हम ऊपर आ चुके हैं, देखो कॉपर का ब्लॉक जो होता है वो सबसे पहले ऐसा दिखता है, फिर धीरे धीरे उसको रस्ट लग जाती है और फिर उसका कलर भी पूरा चेंज हो जाता है। बारिश से जैसे ये भीगता है उसका कलर चेंज होता है, नॉर्मली चेंज होता है नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर बारिश से भीगने पे चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे कलर चेंज हो जाता है एकदम ब्लू सा हो जाता है, ब्लू हो जाता है पूरा कलर इसका। अब आपको लाइटनिंग रॉड का यूज़ दिखाता हूँ। इधर मैं लाइटनिंग रॉड रखता हूँ और वेदर थंडरस्टॉर्म पे कर देता हूँ। देखो बिजली के तो जैसे कि आपने देखा लाइटनिंग रॉड इसी के काम आता है, वो आपको आपके घर पे बिजली नहीं गिरने देता, जबकि अपने ऊपर बिजली को गिरा देता है कॉपर रॉड, यानी खुद पे सोख लेता है बिजली का डैमेज जो भी होता है। फिर जो कॉपर का जो ये कट कॉपर होता है जिसे हम बना सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए 4 ब्लॉक्स लगेंगे हमें नॉर्मल कॉपर के ब्लॉक के। देखो वैक्स कट कॉपर, फिर ये ब्लॉक से हम स्टेयर्स भी बना सकते हैं और स्लैब्स भी बना सकते हैं कॉपर की। मैं आपको थोड़े से बना के दिखाता हूँ स्टेयर्स और स्लैब्स। ये देखो ये नॉर्मल वैक्स कट कॉपर, फिर ये जो है उसके स्टेयर्स हैं, वैक्स कट कॉपर के स्टेयर्स है और ये वैक्स कट कॉपर के स्लैब है। तो मैं होप करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। कॉपर के बारे में पूरी वीडियो थी, अभी तक कॉपर के और भी फीचर्स है पर अब तक इस अपडेट में आए नहीं, नेक्स्ट अपडेट में आने वाले। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि हर एक फीचर के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और मैं वही कर रहा हूँ, आपको हर एक फीचर की जानकारी दे रहा हूँ 1.17 के। तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना माइनक्राफ्ट के प्रो बनने के लिए। मैं इस वीडियो का एंड इधर ही करता हूँ, चलो बाय।